प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से मुलाकात, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्र सरकार ने 20-21 फरवरी को होने वाली ट्रेड यूनियन की हड़ताल में बैंक के कुछ कर्मचारियों के शामिल होने पर जताई निराशा। प्रधानमंत्री ने श्रमिक संगठनों से हड़ताल पर न जाने की अपील। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में जांच जारी है। कहा, सरकार नहीं चाहती कुछ भी तथ्य छुपाना, संसद में बहस के लिए है तैयार। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। शनिवार को दोनों राज्यों में होंगे चुनाव। सीबीआई का एक दल करोड़ों रुपए की वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे की जांच के सिलसिले में इटली पहुंचा। यह दल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के मामले में कथित दलाली की करेगा जांच। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में जांच होने तक करना चाहिए इंतजार। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले में इटली ने अभी तक भारत से कोई जानकारी नहीं की है साझा। कहा, इटली से साक्ष्य मिलने के बाद होनी चाहिए कार्रवाई। यूएई ने भारत की परियोजनाओं में $2 बिलियन का निवेश करने का किया फैसला। दोनों देश भारत में रणनीतिक तेल रिजर्व बनाने के लिए मिलकर काम करने पर हुए तैयार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ओडिशा के दौरे पर। आज कटक में उन्होंने विभिन्न जिलों के पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर के पार्टी पदाधिकारियों से निजी तौर पर की मुलाकात। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून नर्सरी एडमिशन पर लागू नहीं। कहा, नर्सरी प्रवेश की चल रही प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा असर। भारत ने किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय पंचायत न्यायालय में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा जीता। पंचायत अदालत ने मामले में भारत के पक्ष को स्वीकार करते हुए कश्मीर में नीलम नदी पर 330 मेगावाट की परियोजना के लिए पानी का मार्ग बदलने की अनुमति दी। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह दुबई के वेलकेयर अस्पताल में भर्ती। अमर सिंह नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर जा रहे थे, तभी वे दुबई अड्डे पर हुए बेहोश। अमर सिंह के परिवार के अनुसार अस्पताल में उनकी स्थिति गंभीर एवं स्थिर बनी हुई है। सेंसेक्स 18 अंक की गिरावट के साथ 19,483 पर खुला। निफ्टी भी 6 अंक की गिरावट के साथ 5,892 पर खुला। मालदीव की एक अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को बुधवार तक उसके सामने पेश करें। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत और मालदीव के विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोन पर कई दौर की वार्ता और प्रयासों के बावजूद बना हुआ है गतिरोध। सीरिया ने कहा है कि वह देश के विपक्षी समूहों से सुलह की खातिर बातचीत के लिए है तैयार। यह पहला मौका है जब विद्रोही बलों को लंबे समय तक खारिज करने के बाद सरकार ने उनसे सीधी बातचीत के लिए रखा प्रस्ताव। चैंपियंस लीग के अंतिम 16 मुकाबले के पहले लेग के मुकाबले में जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख आर्सेनल से 2-2 हाथ करने के लिए है तैयार। बायर्न ने लीग के 22 मुकाबलों में से 16 में की है जीत दर्ज।